हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। मैं हूँ वंदना और आज बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बनने वाले हैं घर पर। 50 बार से भी कई ज़्यादा बार मैं गुलाब जामुन बना कर के फेल हो चुकी हूँ और उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट मुंह में घुल जाने वाले मक्खन की तरह सॉफ्ट गुलाब जामुन बनाए हैं और वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप भी इस चीज़ से कई बार गुजरे होंगे और उसके बाद में अगर मैं आपको ये टिप्स और ट्रिक्स दूँगी, आप फॉलो करेंगे तो आप भी बिल्कुल परफेक्ट गुलाब जामुन बना पाएंगे। आज के गुलाब जामुन बनने वाले हैं मावे और आटे से। तो 500 ग्राम मैंने मावा ले लिया है, घर का बना हुआ मावा है, और इसमें हम डाल रहे हैं 40 ग्राम्स यानी कि 40 ग्राम्स आटा। और ये जो आटा है ये अपने नॉर्मल जो चपाती वाला आटा होता है वही लेना है। अगर आप इसे चम्मच से डालना चाहते हैं तो आप ये वाला चम्मच देख लीजिए जो खाने वाला चम्मच होता है। 3 चम्मच भर के मैंने पूरा भर के इसमें आटा डाल दिया है। इसे अब हम बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत ही सॉफ्टली इस तरह से मिक्स करेंगे। हमें इसे दबा दबा करके बिल्कुल मिक्स नहीं करना है, बहुत हल्के हाथों से, बिल्कुल जैसे बच्चे को हम हैंडल करते हैं वैसे ही हमें इसे बहुत सॉफ्टली हैंडल करना है। और उसके बाद ज़्यादा मिलाना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए कि आपका आटा और मावा अच्छे से मिक्स हो जाए। बिल्कुल सॉफ्टली फिंगर्स की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखें, आपको रगड़ रगड़ के बहुत दबा दबा करके मावे को और आटे को मिक्स नहीं करना है। और इसके बाद में अगर आपको लगता है कि बहुत क्रम्बल है, बहुत सूखा सूखा है, तो इसमें हम पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें गुनगुना जो दूध होता है उसको भी डाल सकते हैं। एक एक दो दो स्पून हमें पानी हीट करना है और इसे सॉफ्ट होने तक गून लेना है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हम बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो कभी अगर आपने बनाए हैं और अगर आपके गुलाब जामुन भी बिल्कुल रबर की तरह हो गए हैं, बिल्कुल चुई हो गए हैं, तो उसका रीज़न ये होता है कि जो हम ये डो लगा रहे हैं इसे बहुत दबा दबा करके रगड़ रगड़ के नहीं लगाना होता है। अदरवाइज़ जो गुलाब जामुन होते हैं वो फ्राई करने के बाद चाशनी में आप उसे चाहे 3 दिन रखो, 4 दिन रखो, बिल्कुल रबर की तरह ही रहते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक बॉल बनाएंगे और इसे घी में फ्राई करके चेक करेंगे कहीं हमारे गुलाब जामुन फट तो नहीं रहे हैं। तो एक फ्लैट पैन में मैंने घी लिया है, जैसे ही गर्म हुआ इसके अंदर ये 2 बॉल मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर ये फट जाती हैं, बॉल्स इसके अंदर बिखर जाती है, इसका मतलब हमें जो मिक्सर हमने बनाया है उसमें आटा और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक ये दोनों बॉल्स में से एक भी बॉल फटी नहीं है, इसका मतलब जो मैंने प्रोपोर्शन लिया था आटा और मावा का वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये फट रहा है तो इसमें थोड़ा सा और आटा ज़रूर मिलाएं। तो ये है आपके लिए सेकंड चीज़, इससे आपके गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट शेप में रहते हैं। जैसे ब्राउन हुए मैंने इन्हें बाहर निकाल लिया है और यहाँ पर जो हमारा मिक्सचर है, जो डो है, जो आटा है, इससे हम छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। मेक श्योर आपने ये करना है कि जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट स्मूथ होनी चाहिए, इनका जो सरफेस है ना वो बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, जैसा कि आपको ये दिख रहा है ऐसा स्मूथ बॉल बनाना है आपको। इस पर कोई भी क्रैक्स होंगे तो ये बॉल जैसे ही आप घी में डालेंगे वो फिर से फट जाएगा, तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। एवरेज साइज के आप बॉल्स बना लें और सारी बॉल्स मैं एक साथ बना करके रेडी कर लूँगी। और ये देख सकते हैं आप, ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। तो जब तक मैंने बॉल बनाई है, यहाँ पर मैं शुगर सायरप बना रही हूँ, तो यहाँ मैंने 500 ग्राम मावा लिया था और थोड़ा सा उसमें आटा मिलाया था, तो आपने 750 ग्राम शुगर लेना है। ये रेशो अगर आप रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेशो रहेगा शुगर सायरप और गुलाब जामुन का। इसे एक पैन में डाल करके हमने चढ़ा देना है। इसमें मैंने डाला है 1/2 कप ऑफ वाटर और इसे 5 मिनट तक बॉईल करना है। इसमें कोई भी एक तार का चाशनी या दो तार का चाशनी हमें नहीं चाहिए, ये बस आपने 5 मिनट बॉईल करेंगे, ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो फ्लेवर के लिए इसमें इस वक्त थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल सकते हैं। 5 मिनट मैंने चाशनी को अच्छे से उबाल लिया है, ये बन करके रेडी है। मैं गैस को बंद कर रही हूँ और यहाँ हमारी जो गुलाब जामुन की बॉल से ये बना करके रेडी हो चुकी है। घी जो है वो भी गर्म हो चुका है, फ्लेम को मैंने मीडियम रखा हुआ है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे फ्राई करेंगे। कभी भी कोई भी स्वीट हम बनाते हैं तो कोशिश यही करना चाहिए कि हम उसे घी में फ्राई करें, क्योंकि स्वीट्स हमेशा घी में ही अच्छी लगती है, ऑयल में अच्छी नहीं लगती है। और मेक श्योर करें कि अगर आप गुलाब जामुन बना रहे हैं तो बिल्कुल आप इसे घी में ही बनाएं। या एक एक करके मैंने जो गुलाब जामुन है वो इसके अंदर ड्रॉप कर दिए हैं, जैसे ही ड्रॉप करें इसे टच नहीं करना है,
कुछ देर के लिए हमें इसे एज इट इज़ छोड़ देना है। जैसे इस पर हल्का सा जो ब्राउन कलर आपको दिख रहा है ये आने लगे, आप इसे इस तरह से हिलाएं और इन्हें पलट दें। अगर ये नॉन स्टिक पैन होगा तो आपको बहुत इजी हो जाएगा इसे फ्राई करने में, ये स्टिक नहीं होंगे और थोड़ी देर में इनका कलर कुछ इस तरह से होने लगा है। तो जैसा कि मैं बात कर रही थी कि मैंने काफ़ी बार गुलाब जामुन बनाए हैं और हर बार मेरे गुलाब जामुन में बहुत सारी मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ ना कुछ हर बार गड़बड़ होता रहा और परफेक्ट गुलाब जामुन जो होते हैं वो कभी नहीं बन पाते हैं। तो उसके बाद मैं आपके साथ में ये शेयर कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से पैन को हिला रही हूँ। अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है या फिर जिसमें भी आप फ्राई कर रहे हैं, अगर आप पलटे से इसे नहीं चलाना चाहते, इसे टर्न नहीं करना चाहते हैं, तो इस तरह से इसे थोड़ा सा आगे पीछे करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से अपने आप ही टर्न होते रहेंगे। इनमें गोल्डन कलर भी आने लगा है, इन्हें हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब अगर कभी आपने गुलाब जामुन बनाए हैं और आपके गुलाब जामुन बाहर से तो बिल्कुल परफेक्ट ब्राउन कलर में है, बट जब आप उन्हें खाने जाते हैं तो वो अंदर से पूरी तरह से कच्चे रह जाते हैं, तो उसके लिए आपको अवॉइड करना चाहते हैं तो ये करना होगा कि आप इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें। तेज़ अगर फ्लेम होगा तो आपके गुलाब जामुन बाहर से जल जाएंगे, आपको लगेगा कि वो अच्छे से पक चुके हैं जबकि वो अंदर से कच्चे होते हैं। और एक चीज़ कि अगर आपके गुलाब जामुन कभी ऐसा हो जाता है कि वो चाशनी नहीं पी पाते हैं, तो इस चीज़ के लिए आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि आपका जो शुगर सिरप है वो यहाँ पर गुनगुना होना चाहिए और आपके जो गुलाब जामुन आप इसमें डाल रहे हैं वो बिल्कुल गर्मा गर्म अंदर से निकालें घी में से, और गर्म गुलाब जामुन को आप चाशनी में डालें और इस तरह से चम्मच से आप इन्हें डुबो दें, दबा दें हल्के से, तो ये अच्छे से शुगर सिरप अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। सो इस तरह से मैं बाकी के जितने भी गुलाब जामुन हैं वो यहाँ पर फ्राई करके इसके अंदर ड्रॉप करते जा रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कि जितने भी गुलाब जामुन हमने बनाए हैं ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में है, कोई भी गुलाब जामुन यहाँ पर बिखरा नहीं है, कोई भी टूटा नहीं है। और मैं इसे एक घंटे के लिए डुबो करके शुगर सिरप के अंदर रखूँगी, जब तक मेरे जो बाकी के गुलाब जामुन हैं वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। एक घंटे के बाद मैं आपको बाकी के जो गुलाब जामुन हैं एक साथ में तोड़ करके दिखाती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि वो कितने परफेक्ट बने हैं। अंदर तक शुगर सिरप अच्छे से जाता है। यहाँ आपने मैदा यूज़ करना है या आटा, कुछ भी यूज़ करें, टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है, वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में रहते हैं। अंदर तक शुगर सिरप बहुत अच्छे से जाता है, कोई भी गुलाब जामुन आपका कच्चा नहीं रहेगा अगर आपने मेरी इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा। तो यहाँ पर पेन मेरा थोड़ा सा छोटा हो गया था, उसमें शुगर सिरप अच्छे से जा नहीं पा रहा था, सो मैंने एक फ्लैट पेन पॉट में निकाल लिया है और आपके साथ दिखा रही हूँ। एक गुलाब जामुन को हम तोड़ करके भी दिखा देते हैं कि कितना ये अंदर तक जूसी है। तो अगली बार जब भी आपने गुलाब जामुन बनाने हैं इस तरह से गुलाब जामुन बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नहीं किया है मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज कुसुम्स किचन को फॉलो कर लें। और हाँ, यहाँ पर मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे यम्मी टेस्टी बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ आपके लिए लेकर के आती हूँ। मोर देन 200 रेसिपीज़ आपको मेरे YouTube चैनल पर और Facebook पेज पर मिल जाएगी। प्लीज़ आप मुझे फॉलो करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पर आपको बहुत तरह के किचन टिप्स मिल जाएंगे, ट्रिक्स मिल जाएंगे, चाट की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, करीज, ग्रेवीज, स्वीट्स, बहुत तरह के स्नैक्स हैं, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं, बहुत यमी इंटरेस्टिंग और बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आप सभी से एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, कई बार हम घर में खाना बनाते हैं और खाना बच जाता है, बाद में हम उस खाने को डस्टबिन में डिस्पोज कर देते हैं। प्लीज़ कभी भी ऐसा ना करें, हमेशा अपने आसपास उन लोगों को देखें जिन्हें उस खाने की ज़रूरत है और कोशिश करें वो खाना उन तक ज़रूर पहुँचे। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।